हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां बात करेंगे आपके एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टिश्यूज उससे पहले मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देंगे आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है सब कुछ सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है तो भाई आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास तौर पे जब हम बात करते हैं रेलवे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से वहां पर आपका ये टॉपिक इससे कई सारे सवाल जो है वो आप लोग के बन जाते हैं देखो लगातार हम उन टॉपिक्स की थ्योरी भी कर रहे हैं उनके क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं जो जो चीजें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देंगे एक छोटी सी बात बात क्या है कि मैम हमने ना एक टॉपिक सेल भी पढ़ा था तो क्या सेल आप सब जानते हो ना कि सबसे बेसिक इकाई है जिसको हम कहते हैं कि कोशिका ये आपकी मूलभूत इकाई कही जाती है इसी कोशिका से हम क्या बना सकते हैं टिश्यू बना सकते हैं तो कोई भी एक जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं ठीक है गुड मॉर्निंग हो गई है ना आप जल्दी से बताओ देखो तुमसे कहा था तुमसे वादा किया था मैं थ्योरी भी कराऊंगी जहां जरूरत पड़ेगी जहां क्वेश्चंस होंगे वो भी कराऊंगी तो पूरा सिलेबस आपका हम कराने वाला है बस तुम्हें क्या करना है डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस को करनी है अपने रिविजन को करते रहना है ठीक है बहुत अच्छे यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं सभी के साइटोलॉजी उस शाखा को कहा जाता है ठीक है लेकिन फिर क्या मैडम हम इस टिश्यू का आज कर रहे हैं तो जैसे सेल को साइटोलॉजी कहा है क्या टिश्यू को मैं टिश्यूलॉजी कह सकता हूँ या कुछ ऐसा अटपटा सा नाम रख सकता हूँ तो नहीं हम इसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे सबसे पहले टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है दूसरी कहानी क्या होती है कि मैम ये आखिर कहां से बना कैसे बना तो देखिए सबसे पहले जब हम किसी भी कोशिका को देखते हैं एक सेल टूट करके बहुत सारे विभिन्न सेल्स को को बनाती है इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है आप देख रहे हो एक सेल है ये टूटी कितने में टूटी दो में दो से फिर चार चार से आठ आठ से सोलह ऐसे करके कंटिन्यूअस ग्रोथ आपकी होती रहती है मतलब सेल निरंतर बढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली इनकी ग्रोथ आपको दिखाई देती है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें आपके बॉडी के अंदर जो कोशिका बनती है उस कोशिका जब बहुत सारी एक समान कोशिकाओं का समूह जिसे हम कहते हैं ना ग्रुप ऑफ सेल्स ये तैयार हो जाए तब आप कहते हैं कि एक टिश्यू बनता है तो इस वर्ड को पहले हमें यही समझना है कि आखिर ये क्या होता है तो जब इस कोशिका के बहुत सारे रूप आपको एक साथ दिखाई दे मैं कह सकती हूँ ग्रुप ऑफ सेल्स उनको टिश्यू यहाँ पर कहा जाता है और आज जो हम बात करने वाले हैं वो इन्हीं टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है भाई तो हेडिंग डाल लेंगे यहां पर टिश्यू की जो साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ साथ में अपने नोट्स बना सकते हैं वरना क्लास की पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर भी साथ में मिल जाएगी टिश्यू की बात करें उत्तक की बात करें तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन जो हम सुनते आए हैं वो कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक है कोशिका का समूह इसे कहा जाता है देखो बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण तरीके से हम एक एक चीज को समझेंगे इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं लेना है कोई भी किसी को अगर ऐसा लगता हो ना मैम टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है तो भैया ये टफ नहीं है बहुत सिंपल है कोशिकाओं का समूह है लेकिन एक बात बताओ मैंने आपसे बोला कि एक सेल है ठीक है भाई अब इसके जैसी एक दो तीन चार मैंने आठ दस सेल ले ली मैंने ग्रुप बना दिया इसको मैंने नाम दे दिया टिशू का इसको मैंने कहा था सेल क्या ये सारे जितने भी आपको टिश्यू के अंदर सेल्स दिखते हैं क्या इनकी उत्पत्ति समान है बोलो हाँ क्या ये सेम ओरिजिन के दिखाई देते हैं या फिर कोई अलग दिखता है कोई अलग दिखता है ऐसा तो नहीं नजर आता ना कि मैम इस टिश्यू में ना क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं इन सभी सेल्स की उत्पत्ति ओरिजिन क्या हुआ होगा एक ही जगह से हुआ होगा मतलब हम कह सकते हैं ग्रुप ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन पहला लाइन यहाँ पर जो हम ऐड करेंगे इनकी उत्पत्ति क्या होगी एक जगह से हुई है सेम ओरिजिन है कि कहाँ से आए हैं भैया एक ही जगह के सारे सेल्स हैं इकट्ठे हो गए क्या बना दिया टिश्यू बना दिया अब एक बात बताओ ऐसा तो नहीं है कि एक सेल जो है वो डाइजेशन में मदद कर रहा है एक सेल तुम्हारे उत्सर्जन में मदद कर रहा है एक सेल तुम्हारी मांसपेशी को संभाल रहा है एक तुम्हारे ब्रेन को संभाल रहा है ऐसा तो नहीं होता ना जब हम एक टिश्यू बनाते हैं तो ये सारे के सारे एक ही काम को करते हैं बोलो हाँ ना जल्दी से बताओ हाँ कि ना एक ही काम को करेंगे जब उत्पत्ति एक जगह से हुई है तो कार्य भी एक ही करते हैं तो जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना तो वहां पर एक वर्ड तो आपने क्या ऐड किया ग्रुप ऑफ सेल्स है कोशिकाओं का समूह है ठीक है मैडम मान गए इनकी उत्पत्ति भी आपने कहा सेम है लेकिन इनका कार्य भी क्या होगा एक जैसा ही होगा एंड सेम फंक्शन एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए ये एक साथ मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं टिश्यू बना लेते हैं मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि आपके में आपके जो पाचन तंत्र है इसके अंदर जितने भी अलग अलग, अलग आपके टिश्यू में सेल्स पाए गए हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं वही पाचन में मदद कर रहे होंगे सारे इसीलिए उत्पत्ति भी समान है और आपको इनका कार्य भी क्या दिखाई देगा समान दिखाई देता है तो लिख सकते हो कोशिकाओं का समूह जो समान उत्पत्ति समान कार्य करते हैं समान कार्य करते हैं क्या सभी को यह पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से बताओ एक एक चीज को बारीकी से और छोटे छोटे तरीके से हम समझते हुए चलेंगे ठीक है बिल्कुल कहते हैं ना विज्ञान को तोड़ दिया जाए कि तोड़ के समझेंगे मैम कुछ भी चीज ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ ली इसे कहा टिश्यू अब इसी के अध्ययन को मैंने क्या नाम दिया मैंने कहा कि भाई देखो अगर मुझे इसकी अध्ययन करनी है तो एक शाखा बना देती हूँ और उस शाखा को नाम देते हैं हिस्टोलॉजी टिश्यू के अध्ययन को हमने नाम दिया है हिस्टोलॉजी ठीक है हिंदी में बात करेंगे उत्तक का अध्ययन उत्तक का अध्ययन जो है वो उत्तक विज्ञान कहलाता है हिंदी में आपको आसानी से आप बता भी सकते हो कि हाँ भैया उत्तक विज्ञान लिखा है तो आपने सीधे बता दिया इंग्लिश में हिस्टो वर्ड याद रखेंगे कि हिस्टो वर्ड कहीं कहीं पर पर भी भी आ आ रहा है न, तो आ रहा है 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 ना ना तो वो टिश्यू के लिए ये शब्दों का ही मतलब समझना अगर लिखा है न, हिस्टो से संबंधित तो ये आता है आपके टिश्यू के लिए यानी कि आपके उत्तक के लिए तो इंग्लिश में छोटे छोटे से वर्ड आपको बड़ी मदद करते हैं बहुत हेल्प करते हैं तो यहाँ तक हम समझ गए कि टिश्यू क्या है लेकिन अब इसके खोज कौन है मैम कोई तो होंगे ना जिन्होंने

इस टिश्यू की खोज किसने करी थी एक नाम याद रखना आपके शहर में मेयर है सबके शहर में होते हैं मेयर जिन्हें हम कहते हैं तो ये वो जो मेयर है ना बस वहीं से एक नाम याद रखना यहां पर भी एक मेयर साहब आए थे जिन्होंने टिश्यू की खोज करी थी ठीक है जिन्होंने क्या किया था टिश्यू की खोज करी थी तो सबसे पहली बार अगर आप देखोगे सेकेंड चलो ठीक है तो आप यहां पर लिख सकते हैं एक थे मेयर कार्ल मेयर कार्ल ने डिस्कवर किया था डिस्कवर्ड टिशू लगभग 1819 की बात है उसके अलावा कार्ल मेयर खोजकर्ता कहे जाते हैं इसके अलावा देखिए जब भी हम बात करते हैं ना जीव विज्ञान में तो मैम खोज किसी ने करी नाम किसी ने दिया ठीक है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसी और ने करे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ होगा ये तो खोज करके चले गए लेकिन जब नाम करने की बात आई थी तो एक और नाम आता है जिन्होंने नाम दिया था तो वहां पर पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये मार्क कर लेना दूसरा लिखना बिचत करके एक नाम आता है जिन्होंने नामकरण किया था ठीक है नामकरण किया था क्या नाम दिया था इन्होंने नाम नाम दिया था। उत्तक नाम यहां पर दिया था। था। पर बोलो कहानी समझ में आ नित्यम तो कोई बात नहीं आप स्किप करके पढ़ लो यार है ना पढ़ने पर ध्यान दे लो चलो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं नोट जरूर बनाते चलिएगा वरना आपको टेलीग्राम पर आप उससे अपना कर सकते हो तो ये कहानी थी मैम टिशु की अब टिशू जब हम बात कर ही रहे हैं जैसे सेल प्लांट में भी होता है एनिमल में भी होता है टिश्यू भी प्लांट में भी होते हैं और एनिमल के अंदर भी दिखाई देते हैं दोनों कोशिकाओं में नजर आएंगे मतलब आप कह सकते हो दोनों जीवों में दिखाई देते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ने वाले हैं प्लांट के टिश्यू के बारे में पहले पादप के उत्तक को समझेंगे उसके बाद हम जंतुओं के उत्तक पर आएंगे कि एनिमल के टिश्यू जो होते हैं वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं नाम आप सबने सुना होगा कुछ पैरन कायमा कॉलन कायमा स्क्रन कायमा जायलम का फ्लोयम का या मैं बात करूं जंतुओं में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं संयोजी उत्तक होते हैं एपिथिलियल टिश्यू होते हैं ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं तो ये सारे नाम आपने सुने होंगे ये सभी नाम जो है वो अलग पादप या जंतु के अंदर जो उतक उपस्थित होते हैं उनके होते हैं ठीक है आप ये वाला क्लास अच्छा चलो इधर तो यहाँ हम बात करने वाले हैं हैं कि टिश्यू जो वो दोनों जीवों के अंदर उपस्थित होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल भाई जहां पे कोशिका एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी वहीं पर आपका समूह बन करके ये डेवलप होकर के तैयार हो, हो जाएंगे मतलब ये पादप और उतक दोनों में पाए जाते हैं पादप व जंतु दोनों में ऊतक उपस्थित होते हैं ठीक है अब एक बात देखेंगे मैम दोनों में तो है कोई पौधा है उसका मैंने बीज जो है वो डाल दिया बीज धीरे धीरे करके ग्रो करेगा और एक प्लांट बना लेगा एक छोटा सा पौधा बनेगा फिर और उसके अंदर पत्ती शाखाएं घिलेंगी फिर जाकर के एक बड़ा पौधा बन जाता है कहीं ना कहीं उस पौधे के विकास में यही उत्तक होते हैं जो मदद कर रहे होते हैं आप सबने एक चीज देखी होगी कि एक पौधा एक हाइट तक जाकर के रुक जाएगा कि भाई उसकी इतनी हाइट है या इतनी हाइट है कि किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक जाकर के रुक जाता है फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती है फिर वो बढ़ता है आपके चौड़ाई के अंदर बढ़ेगा लंबाई उसकी और नहीं बढ़ती है प्लांट के हार्मोन भी इसमें मदद करते हैं जिन हार्मोन्स में हमने बात की की थी आपके एसिड और ये पांच हार्मोन्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं जो मैं ऑलरेडी आपकी क्लास में करा चुकी हूं कि इनकी डिटेल यहां पर क्या होती है ठीक है हॉर्मोन काम करते हैं लेकिन हॉर्मोन के अलावा जो मेन काम होता है ना विभाजन का वो देखा जाता है आपके किसके इन सभी उत्तक के द्वारा कि मैंने एक छोटा सा बीज अगर यहाँ पर डाला है वो बीज धीरे धीरे करके क्या करेगा ग्रो करेगा और एक पौधे का एक पादप का जैसे आप कह सकते हो उसका विकास पूर्ण रूप से कराता है इस पादप के विकास में केवल एक टिश्यू नहीं केवल एक हार्मोन नहीं बहुत सारे पोषक तत्व भी काम करते हैं जिन्हें है है, होगी तो जितने भी आपके प्लांट्स हैं, वो इजिली ग्रो कर जाएंगे यहीं पर जो हम देख रहे हैं ये प्लांट की छोटी छोटी सी ग्रोथ को देख रहे हैं अब देखिए जब हम प्लांट के टिश्यूज की बात करते हैं ना तो प्लांट के टिश्यूज को मैंने मुख्य दो भागों में बांटा तब क्यों उत्तक को मैंने दो भागों में बांटा दो भाग में से पहला भाग कौन सा, सा मतलब शुरू कर रहे हो तुम्हें बायोलॉजी आज तक नहीं पढ़ी है लेकिन तुमने एक प्लांट को एक पौधे को एक बीज को पनपते हुए उगते हुए जरूर सुना होगा मैं कह रही हूँ देखा नहीं सुना तो जरूर होगा और तुमने ये देखा होगा कि भाई देखो अगर कोई पादप है कोई प्लांट है वो धीरे धीरे करके जब अपनी लंबाई में बढ़ता है तो एक लिमिट तक बढ़ता है उस समय पर उस पादप के अंदर उस प्लांट के अंदर क्या होता है सेल डिविजन होता है कोशिकाओं में उसकी विभाजन होता है जब तक विभाजन हो रहा है ना वो इन वाले उत्तक की मदद से जिन्हें हम कहते हैं विभाज ज्योति की उत्तक ये टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या कराते हैं सेल के डिविजन में मदद कराते हैं भाई आप अपनी बात करो कि जो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक आप अपनी बात करिए कि मैम हमसे कहा जाता है भाई आप बच्चे हैं छोटे हैं तीन चार साल के हैं तो मम्मी कहती है दूध पिया करो बढ़िया से हाइट बढ़ जाएगी लेकिन एक उम्र तक जाकर तुम बीस इक्कीस बाईस साल तक के हो गए उसके बाद कहते हैं तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी ऐसा क्यों कि भाई बाद में हाइट नहीं बढ़ सकती आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हुए होंगे जिसकी उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है तो वही सब चीजें डिवाइड नहीं होंगे बॉडी इलांगेट नहीं होगी बॉडी एक जगह पर अपनी फिक्स होना समझ चुकी है तो आपकी बॉडी जिस प्रकार से ग्रो करती है ऐसे ही आपका प्लांट भी ग्रो करता है प्लांट के अंदर भी एक उम्र तक जाकर के विभाजन होगा जब तक

शहीदुर जो आपके ऐप आप में पुराने बैच की क्लास है वो आपकी चल रही है आज भी शाम साढ़े सात बजे आपकी क्लास अलाइन्ड है शाम को साढ़े सात से साढ़े नौ तक आपका क्लास जो है वो रहेगा तो ठीक है क्लास आपकी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है एक बार आप लोग देख लेना ठीक है चलो तो भाई ये सब चीजें क्लियर हुई तो मैम मैंने कहा एक बार ऐसा एक छोटा मैंने टाइप बनाया जिसमें कोशिका में विभाजन हो रहा है दूसरे ऐसे हैं जो स्थाई बन चुके हैं कि भैया देखो अब तो हमारी ग्रोथ हो गई अब हमें क्या करना है सिर्फ चौड़ाई में बढ़ना है सिर्फ हमारी यहाँ पर कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो तो इनिशियल फेज की हो चुकी है तब ये बन जाते हैं स्थायी उत्तक लेकिन अगर हम इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू की बात करें यानी कि विभा की उत्तक की बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है कैसे होता है मैम और कहाँ होता है आप एक छोटा सा प्लांट लीजिए और प्लांट के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है कि पहला भाग आता है इसके टिप वाला देखो सूरजमुखी सबने देखा होगा मैं कह रही हूँ चलो देखा नहीं तो सुना तो होगा सूरजमुखी का जो पौधा होता है ना वो जहां जहां पर आपकी सनलाइट जाएगी उस दिशा में मूव कर जाता है यही होता है कि मैम अगर सूरज का प्रकाश जो है वो इस तरफ से पड़ रहा है तो प्लांट भी आपका इस तरफ बेंड हो जाएगा कुछ ऐसे झुकाव हो जाएगा मान लो ये सूरज जो है वो इधर की तरफ आ चुका है ठीक है आपका सूर्य का प्रकाश तो पौधे भी इस प्रकार से टिल्ट हो जाते हैं तो जहां पर आपकी सनलाइट होगी वहां मूव करता है लेकिन किसकी वजह से ये ये जो जो इसका इसका टिप वाला भाग है ना, ये जो इसका वाला एपेक्स वाला भाग भाग है है ना ऊपर एपेक्स होता पर कुछ हार्मोन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं कोई बता सकता है कौन सा हॉर्मोन होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है क्यों भाई ऐसी थ्योरी होनी चाहिए हाँ ऐसी थ्योरी होगी जल्दी से बताओ एक बार फोटो सेंसिटिविटी बिल्कुल सही मोहित कह रहे हैं मैम मैं आ गया ठीक है ऑक्सीजन कहा था बहुत अच्छे मोहिनी ऑक्सीजन का नाम दिया था कि ऑक्सीजन ऊपर की तरफ ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन उस ऑक्सीजन के आने से पहले ना जब ये पौधा धीरे धीरे करके बढ़ रहा था इसके इसी टिप वाले पार्ट पर एक मेरिस्टेम पाया जाता है एक एक प्रकार का उत्तक होता है जिसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं शीर्ष वाले भाग पर है तो शीर्ष विभाज्योति की उत्तक इसको यहाँ पर कहा जाता है सबसे ऊपर की तरफ की देखो ऊपर वाले जितने भी अंदर यहां पर भी सेल्स होंगे ना इन सेल्स में इन कोशिकाओं में जितना भी विभाजन होगा वो किसकी मदद से होगा वो इसी एपिकल मेरिस्टेम की मदद से होगा बोलो हाँ की ना ठीक है मैडम अब आते हैं इस तरफ की भाई प्लांट है तो बीच में यहाँ पर पत्तियां भी हमारी खिल रही हैं पत्ती खिल रही है आ रहा है अभी सबको कहाँ तक सुन लिए थे भाई आवाज आ रही है अभी तो मैंने कहा टिप पर एपेक्स वाले भाग में ये जो आपका टिप वाला भाग है यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका जो शीर्ष विभा की उत्तक है वो उपस्थित होता है फिर मैंने कहा एक कली ये खिल रही है एक कली मान लो नीचे की तरफ तुम्हारी एक पत्ती जो है वो खिल रही है तो भैया इस, इसे मैं एक नोड कहूंगी और इसको मैं दूसरा नोड कहूंगी इन दोनों नोड के बीच वाली जगह को कहा जाता है इंटर कैलरी क्या कहते हैं इंटर कैलरी कहते हैं कहीं तुम बीच वाली जगह को इंटर वर्ड से याद कर सकते हो कि इंटर यानी कि कहीं बीच बीच में पता चल रहा है मुझे कि कहीं मिड में कोई चीज जो है वो आ रही है ठीक है तो भैया इसे कहा जाता है दूसरे प्रकार का उत्तक जो कि विभिन्न ज्योति की उत्तक यानी कि मैरिस्टमैटिक टिश्यू का ही भाग है जिसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टम कहते हैं अब कोई भी प्लांट है मेरे पास नीचे की तरफ नीचे की तरफ से भी वो ग्रो करेगा उस जगह पर पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेम क्या कहते हैं उसको लेटरल मेरिस्टम का नाम देते हैं ये तीसरा वाला भाग है ठीक है जो बिल्कुल बेस पर आपको दिखाई देगा तो मैंने एक छोटी सी बात कही कि देखो भाई हमारे पास होते हैं पहले भाग में मेरिस्टमैटिक टिश्यू मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मतलब होता है हिंदी में विभा ज्योतिगी उतक और ये जितने भी कोशिकाओं के विभाजन होते हैं वो इन्हीं तीनों की मदद से होते हैं ये प्लांट की लंबाई थोड़ी सी बढ़ रही है ज्यादा बढ़ रही है वो एक ग्रास की तरह दिख रहा है एक हर्ब बन चुका है एक श्रब बन चुका है एक ट्री बन चुका है वो इसी मेरिस्टेम की वजह से तो याद रखेंगे ये तीनों भाग जो है ना ये तीनों भाग कहलाते हैं आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू के तीनों पहले भाग जहां कोशिकाओं में विभाजन दिखाई दे रहा है ठीक है क्या ये बात समझ में आ रही है तो इसको हम यहां पर नोट कर सकते हैं कि देखिए पहला भाग क्या कहलाता है आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू जिसके अंदर अगर आपसे पूछा जाएगी भैया क्या हो रहा है तो ये जब तक स्थाई नहीं बन जाते ना जब तक ये ढीट नहीं हो जाते जब तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाते तब तक ये डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो इसे कहा जाता है ये विभाजित हो सकते हैं और इनकी कोशिकाएं पूरे जीवन भर विभाजित करती रहती हैं लेकिन परिपक्वता पर इनकी कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं स्थायी तक बन जाती हैं यही कराते हैं आपके लीनियर और सेकेंडरी ग्रोथ की सिंपल प्लांट उग तो गया अब बाकी की चीजें इसमें से फल फूल बीज शाखा जो भी चीजें बन रही हैं उस ग्रोथ में मदद करेगा फिर आगे की तरफ यही वाला आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू तो एपिकल इंटरकैलरी और मेरिस्टेम तीन अलग अलग भागों में हमने इसको बांट करके देख लिया बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई जल्दी से बताओ हाँ भाई क्या हुआ कैसे समस्या ले रहे हो पर क्लास होगी बिल्कुल होगी राधिका माम आपका नाम क्या है कहाँ से लाते हो तुम ऐसे सवाल हैं राधिका माम आपका नाम क्या है इतने अलग अलग सवाल लेकर कहां से आते हो ये जरा दिमाग यहाँ पे लगा लो कि ये प्लांट का टिश्यू कह क्या रहा है चलिए इधर तो इसे कहते हैं विभाज्योति की इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है ना वो पतली होती है और किससे मिलकर के बनी होती है सेल्यूलोस से मिलकर के बनी होती है छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं कि यहाँ कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो इसमें सबसे पहला भाग जो मैंने आपका देखा वो देखा है जिसे हम नाम देते हैं आपका एपिकल मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष विभाज्योति की है जो कि आपके स्टेम पे और रूट्स पे यानी कि तने और जड़ जो है जहां पर ग्रोथ ज्यादा हो रही होगी ना वहां पर ये पाया जाता है ठीक है इसके अलावा ये आपकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है इसी को कहते हैं एपिकल समझना बात को टिप पर कहां है तने की की और रूट की। मैंने कहा ये भैया तना है तो ऊपर की तरफ से इसकी ग्रोथ हो रही थी लेकिन नीचे से जड़े भी तो जा रही थी तो नीचे की तरफ भी क्या होगा यही वाला पाया जाएगा जिससे जड़ भी नीचे की तरफ ये आपकी भर्ती हुई दिखाई देगी भाई जड़े भी फैलती है और ऊपर से तना भी फैलता है तभी एक पौधे का पूर्ण विकास कहा जाता है ठीक है चलिए तो पहला भाग क्लियर है ये लंबाई में यहां पर मदद करता है दूसरा भाग आता है जिसको हम कहते हैं जैसे हमने किनारे पर इसकी ग्रोथ को कराने में ये मदद करता है ये आपके गर्थ में बढ़ावा देता है यानी कि नीचे से जो पौधा आपका चौड़ा होता चला जाता है शाखाएं तो नीचे बढ़ ही रही है जड़ों की लेकिन पौधा भी नीचे से तुम देखते हो उम्र के साथ बड़ा होता चला जाता है तो इस गर्थ को बढ़ाने में आपका यही वाला मेरिस्टेम है जो कि मदद कर रहा है जिसको हमने लेटरल मेरिस्टेम का नाम दिया क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है हाँ जी क्या ये पॉइंट देखो भाई नोट्स भी मिल जाएंगे आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए वहां पर लिंक दिया हुआ है आपका रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल के नाम से मैं भी आपको क्लास के अंत में दिखा भी दूंगी कि कहाँ पर आपका जो लिंक है वो दिया हुआ है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी आप वहां से भी लिख सकते हो ठीक है चलो ये सब प्लांट के टिश्यूज पढ़ रहे हैं फिर हम एनिमल्स पे आएंगे ये सारे के सारे क्या हैं ये प्लांट के टिश्यूज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो हमने दूसरे की बात करी जिसको कहा लेटरल तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं इंटर कैलरी इंटर कैलरी कहाँ पर है आपके किसी भी जैसे मैंने आपको बताया था बेस ऑफ लीफ पर या इंटर नोड पर किसी भी पत्ती के आधार पे जहां से आपका कलिया निकलती हैं कि यहाँ से एक कली निकल रही है एक कली आपकी यहाँ पर निकल रही है ठीक है एक यहाँ बन रही है और एक यहाँ बन रही है तो भैया ये जो पत्तियां बन रही है ना इस वाले हिस्से में इसके इतने वाले पार्ट में ये वाला जो बीच वाला भाग है यहां पर पाया जाता है आपका ये इंटर कैलरी दो पत्तियों के बेस पर होगा या इन इंटर नोड में इस हिस्से में आपको ये उपस्थित दिखाई देता है क्लियर है कि नहीं है हाँ भाई जल्दी से बताओ हाँ पीडीएफ फ्री पे मिल जाएगा लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इसके बाद आता है कि जब ये मच्योर हो जाते हैं ये किसके द्वारा हो जाते हैं ये आपके नॉन लिविंग बन जाते हैं कि देखो भाई ग्रोथ हो रही है एक बार ग्रोथ होती चली गई इसका मतलब ये जीवित हैं तभी विकास शो कर रहे हैं कहते ना जीवित जीव की विशेषता क्या है कि ये विकास दिखाते हैं लेकिन जैसे ही इनकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई अब ये किस में कन्वर्ट हो गए अब बन गई ये स्थायी तक स्थाई यानी कि अब अपनी जगह पर ही ग्रोथ करेंगे लेकिन इनके अंदर और ज्यादा लेंथ में या ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो देखा नहीं जाएगा तो अब ये आगे क्या बन जाते हैं ये आपके नॉन लिविंग यहाँ पर बन जाते हैं अब तक क्या थे जीवित थे अब क्या बन गए मृत हो गए नॉन लिविंग इनको यहाँ पर कहा जाएगा ठीक है रेलवे का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगा बायोनिक समस्या मत लो लेकिन अभी के लिए चीजों को पढ़ लो तुम्हारे लिए बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट यहाँ पर मिल रहा है आप बस इस पर ध्यान दीजिए ठीक है चलो अगला बात करते हैं अब देखो तुमने यहां तक तो समझ लिया कि मैम वापस से एक बार दोहराएंगे भाई जल्दी से आज क्लास में याद करके जाना है सब कुछ हमने कहा हमारे पास क्या है प्लांट के उत्तक हैं उत्तक में पहला भाग मैंने क्या देखा मेरिस्टमेटिक टिश्यू इसमें एपिकल लेटरल और इंटर कैलरी एक बार थम्सअप का साइन भेज दो कि मैडम इतना भाग क्लियर है मैं तभी आगे बढ़ूंगी एक बार जल्दी से इन एक का साइन भेज देंगे कि इतना भाग मुझे सीधा -सीधा कोशिका विभाजन होता है आपने बता दिया अब ये क्या बन गए स्थाई बन गए तो आ जाते हैं स्थाई के ऊपर ठीक है समझ आ रहा अब आते हैं स्थाई उत्तक को स्थाई को मैंने दो भागों में बांटा एक तरफ सरल है और एक तरफ आपका जटिल है एक तरफ क्या है सिंपल टिश्यू है यानी कि सरल उत्तक है दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स है कि यार तुम ढीट तो बन गए तुम स्थाई तो बन गए लेकिन तुम भी दो प्रकार के बने हो एक तो बहुत सिंपल सरल सा कहते हैं ना एक ढीट ऐसा है जो बहुत आसानी से मान जाता है और एक ऐसा है जो बिल्कुल नहीं मानता मतलब उसको समझाने के लिए ना बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है तो यहाँ पर दो प्रकार के हैं एक कहलाता है सरल उत्तक और एक होते हैं जटिल उत्तक सरल में आते हैं फिर से तीन भाग पेरिन कामा कॉलिन कायमा और स्क्लेरिन कामा के नाम से इधर कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोयम मैम मैंने कुछ नहीं सुना मैंने तो बस ये सुना था एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है बोलो सुना था कि नहीं चलिए जल्दी से बताइए देखिए पूरी टीम आपकी लखनऊ पहुंच चुकी है ठीक है आपके धर्मेंद्र डागर सर हैं शिवान सर हैं और आपके अभिमन्यु सर भी हैं आपके पुष्पेंद्र सर भी हैं आज इसीलिए सर की क्लास भी नहीं हुई है तो आपकी पूरी टीम फिलहाल के लिए लखनऊ पहुंच चुकी है और जल्दी जल्दी आपको बाकी सभी टीचर्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे लेकिन अभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं बहुत शांतिपूर्ण कार्य को करिएगा किसी भी प्रकार से आपका जो प्रशासन के तौर से कहा गया है कि आप शांति भंग वहाँ पर नहीं करेंगे बहुत शांतिपूर्ण अपना काम जो है वो करना होगा ठीक है चलिए तो नाम तो सुने होंगे ना कि नाम तो जरा ही होगा जाइलम और फ्लोएम इसके अलावा ये सिंपल में आते हैं और जाइलम फ्लोएम जटिल में आते हैं देखते हैं इनके क्या काम है जब हम सिंपल टिश्यू की बात करते हैं तो मेरे भाई मेरे से सिंपल टिश्यू बना क्या बन गया है यहाँ तक लिविंग थे ये बन गए हैं नॉन लिविंग इसके अंदर भी लेकिन तीन भाग आते हैं तो हम ये समझेंगे कौन सा जीवित है कौन सा मृत है देखो जरा ऊ देख लेते हैं आप सभी ने ना एक चीज समझी है कि मैम ये सेल है ठीक है जब कोशिकाओं का समूह बनता है तो मान लो मेरे पास जो टिश्यू बना है वो कुछ ऐसा बना है आप कह रहे हो मैम इस ऊतक के अंदर छह अलग अलग सेल दिख रहे हैं ठीक है इसके अंदर स्पेस है कि नहीं भाई एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जगह है कि नहीं मुझे जल्दी से बताओ एक बार सांस लेने की जगह है इनके बीच में कि नहीं आपने कहा हाँ मैम है सांस लेने की जगह दिख रही है ना यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है तो ऐसे कोशिकाओं के समूह जिन्हें हम ऊ कह रहे हैं जिनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी कि अंतः कोशिकीय जगह बहुत दिखाई देती है कि वो आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं यहाँ से एयर आसानी से क्या हो सकती है मैं कह रही हूँ मेरे भाई पास हो सकती है इसको कहा जाता है पैरन काएमा. आप सबने अब तक बहुत अलग-अलग डेफिनेशन अलग सुनी होंगी पढ़ा होगा टफ भी लगा होगा किसी को मैं तुम्हें बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगी ठीक है रविंद्र चौधरी बहुत देर से परेशान है कि मैडम पीडीएफ इनको पढ़ना नहीं होता इनको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए होती है है ना ये अभी जो क्लास में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो नहीं समझना इनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों की पीडीएफ क्लास के बाद उपस्थित हो जाएगी मिल जाएगी आपको वहां से ले सकते हो ठीक है कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें ठीक है इतने नाम कैसे याद करें नाम क्लास में याद होंगे देखो हमने टिश्यू पढ़े प्लांट के टिश्यू में पहला भाग पढ़ा जो विभाग ज्योति की कहलाता है है जो है डिवीजन होता उसमें तीन आए एपिकल लेटरल और आपका ठीक है अभी ट्रिक से भी याद कराऊंगी फिर उसके बाद आते हैं स्थाई उत्तक स्थाई उत्तक के अंदर एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है स्थाई में एक सेल था जो आपस में एक समूह के साथ मिला और उत्तक बना लिया लेकिन जिनके अंदर स्पेस है जहां आप देख रहे हो हवा आसानी से पास हो सकती है मैं का एक फीचर यहाँ लिख देती हूँ इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं पेरन कायमा अच्छा मैं कहूं इसमें से एयर पास हो रही है तो मैं इसे एरन कायमा बुला दू चलेगा कि नहीं जल्दी से बताओ इसको मैं एयर पास हो रही है यहां से तो एरन कह सकती हूं कि नहीं हाँ या ना फटाफट से बता दो मुझे एक बार कि मैडम यहाँ से ना एयर पास हो रही है तो इसको पैरन कायमा कह लो या एरन कायमा कह लो एक ही बात है एयर यहाँ से पास हो रही है दूसरी बात की जीवित होते हैं जिसके पास सांस लेने की जगह दिख रही है मतलब भैया वो जीवित तो है ही है वो लिविंग टिश्यू कहलाया जाता है लिविंग टिश्यू जीवित उतक या टिश्यू यहाँ पर आप उसे कह सकते हो इसकी जो बाहर की परत देख रहे हो ना बड़ी पतली पतली सी दिख रही है मतलब ये जो अंदर आपके टिश्यू में दिख रहे होंगे बहुत पतली पतली सी झिल्ली से मिलकर बने हैं ठीक है मैंने क्या किया मेरे को ना ये अच्छा सा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको पकड़ा और मैंने कहा भाई देखो पैरेंट काय भैया तुम एक काम करो अब मैं तुम्हारी जितनी भी अलग अलग सेल है इनको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं देखना जरा इधर ध्यान से मैंने इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया ठीक है अब इसके अंदर जो स्पेस था वो भी क्या हो गया बहुत कम हो गया बोलो हुआ कि नहीं हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ भाई ये लिविंग था ठीक है यहाँ पर एयर के लिए स्पेस था ठीक है इनको कहते हैं कॉलिन कायमा जब मैडम इनको क्या हो गया थोड़ा अच्छे से खाते पीते खानदान से आ गए इन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया अभी तक तो इनकी सेल वॉल क्या थी पतली थी अब इन्होंने थोड़ा खाना पीना भी खाना शुरू कर दिया ये थोड़े से हैवी हो गए इनकी देख रहे हो बाहर की तरफ सेल वॉल थोड़ी मोटी हो गई है स्पेस इनका कम हो गया जब मोटापा बढ़ जाएगा तो आस में एक कमरे में छह लोग बिठा रखे हैं मोटे मोटे तो क्या जगह बचेगी सांस लेने की आप बोलोगे नहीं बचेगी मैडम उसी को कहते हैं कॉलिन कायमा वाला टिश्यू क्या कहते हैं इसको कॉलिन काइमा वाला टिश्यू कहते हैं मतलब इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है ना वो बहुत थोड़ा सा है जल्दी बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि अंत कोशिकीय जो जगह होती है वो यहां पर कम होती है मैं लिख सकती हूँ इट इज लेस ठीक है लिख सकती हूँ कि नहीं यहां पर इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है और ब्रैकेट में लिख लेना ज्यादा होता है अगर मैं इसको और बढ़िया से कहूँ कि यार अब तुम ना और अच्छे से खाना पीना खाना शुरू कर दो तुम तो और अच्छी अपनी डाइट जो है उसको बढ़ाना शुरू कर दो तब क्या होगा ये और मोटे हो जाएंगे होंगे कि नहीं होंगे अब मान लो ऐसा ही एक और कमरा रख दिया उसमें मैंने यही लोगों को रखा लेकिन ये खाते पीते रहे खाते पीते रहे तो ये और मोटे हो जाएंगे तब तो भैया सांस लेने की जगह ही नहीं बचेगी वहां पे इन्हीं को सफोकेशन होगी और ये क्या हो जाएंगे मर जाएंगे वहीं पे क्या ये होगा कि नहीं कहते ना कि तू क्या करेगा रे मर जाएगा रे तू ऐसे ये क्या हो जाते हैं ये मर जाते हैं अंदर ही अंदर देखो इन्हीं को हमने क्या करा इनको हमने बढ़िया तरीके से बोला कि अच्छे अच्छे से खाना वाना खाओ ये इतने अच्छे से खाना खाने लगे कि ये अंदर ही अंदर क्या हो गए खाना तो खाते रहे जितने भी थे लेकिन अंदर ही अंदर मर गए इनमें स्पेस ही नहीं बचा है तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर स्क्लेरिन कायमा बन जाता है इस उत्तक का नाम क्या है स्क्लेरिन कायमा यहां स्पेस था बहुत अच्छे से था यहाँ स्पेस क्या था थोड़ा सा कम हो गया और यहाँ तो स्पेस मैडम खत्म ही हो गया तो मैं लिख सकती हूँ इंटर सेल्यूलर स्पेस इज एबसेंट है ही नहीं और जब नहीं है तो ये बेचारे क्या हो गए इनको हम डेड कहते हैं इनको हम मृत कहते हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना कि जब मेरिस्टमैटिक से परमानेंट में आते हैं तो ये मर जाते हैं ये ऐसे मर जाते हैं जब ये इतना ज्यादा खाना पीना खा लिए हैं तो भैया ये खत्म ही हो जाते हैं बताओ जल्दी से तीनों उत समझ में आई कि नहीं आई ये क्या है ये आपके सिंपल टिश्यू के तीन भाग हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन भाग हैं सरल स्थाई उत इनको कहा जाता है सरल स्थाई उत्तक। अब कैसे ग्रोथ करेंगे ये और मैं आपको बताऊंगी पहले मुझे बताइए यहां तक कोई समस्या किसी को जल्दी से बताओ कॉलन कायमा हाँ कॉलन कायमा के ऊपर बात करेंगे देखिए कॉलन कायमा जो होता है ना हालांकि ये लिविंग होता है बट कुछ हद तक क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम होता है तो इसको डेड मानते हैं ठीक है थीके? लेकिन ये आपका रखा किसमें जाता है लिविंग के अंदर रखा जाता है क्लियर है सभी को चलिए तो भैया इसी प्रकार से अब अगर मैं इसको आपको डायग्राम से दिखाऊंगी ना तो आपको लगेगा अरे मैडम ये तो बहुत ज्यादा टफ टफ से हमें दिख रहे हैं देखो जरा ये है पैरिन का यह है कॉलिन कामा और तीसरा वाला है स्कलैरिन कामा इनके अंदर डिफरेंस किसका है पहला पॉइंट स्पेस का है ठीक तो है मैम प्रोटीन पढ़ाइए ये जो चल रहा है टिश्यू ये नहीं पढ़ना है क्या करना है मैम प्रोटीन पढ़ाइए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अगली क्लास में आपकी कराऊंगी जिसमें प्रोटीन भी पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ेंगे कि ग्लूकोज माल्टोज इनसे बहुत सारे सवाल आपके पी में ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं एन चुके हैं ठीक है तो इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगी चीजें क्लियर हो रही है तो सेशन को लाइक कर देना और पहुंचा देना अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक मुझे कहना ना पड़े ये काम आपका है बाकी रोज सुबह ग्यारह बजे तुम्हारी पूरी साइंस को हलवा हम यहाँ पे कर ही देंगे ठीक है चलिए एक बार वापस से देख लेते हैं देखिए है। जैसे हम बात कर रहे थे स्पेस से रिलेटेड तो मैम यहाँ पर स्पेस दिख रहा है यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम हो चुका है और यहाँ पर स्पेस हमारा क्या हो गया है बिल्कुल ही खत्म हो चुका है तो ये तीनों बन जाते हैं पेरन कायमा कोलन कायमा और स्कलैरन कायमा जब हम इनकी विशेषताओं को लिखते हैं ना तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनके और अन्य पॉइंट्स को कि पेरन वाला सबसे सरल है विशिष्ट कोशिकाओं से बना है ये जीवित है पेरेन वाला क्या है जीवित है अंडाकार शेप का है और गोलाकार आकार इसमें होता है एक पतली सी इसकी क्या है कोशिका भित्ती जैसे आपने देखा ना सबसे पहले वाले सबसे पतली कोशिका भित्ति के हैं दूसरा ये बड़े अंतर स्थानों के साथ शिथिल रूप से भरे हुए होते हैं और इसमें बड़ी रसधानियां उपस्थित होती हैं तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं मान लीजिए यहाँ पर अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसको क्लोरिन कायमा कहते हैं और यहाँ पर अगर वायु पाई जाती है एयर है तो इसको एरिन कायमा कहा जाता है ठीक है ये दो भागों से और अन्य जाने जाते हैं अच्छा बोलो बात क्लियर है कि नहीं तो इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं के, कि माम इसके अंदर अंतर अंदर, सिंपल -सिंपल से भी सरल है। इसके अंदर, -अंदर के स्थान भी है अगर यहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो मैं इसका नाम बदल के रख दूंगी क्लोरिन कामा अगर इसके अंदर हवा दिखाई दे रही है तो मैं इसको कहूंगी एरन कायमा बोलो हां कि ना बाकी पैरिन काम है इसको मैंने कहा ही कहा है हिंदी में बोलो यार मैं उर्दू में तो नहीं बोल रही हूँ या मैं या में भी नहीं बोल रही हूँ तो हिंदी में ही रही हूँ दिलीप कुमार कह रहे हैं मैम हिंदी में बोलो कहा से करते हो ऐसी हरकतें एक आजकल वो बहुत चल रहा है कि एक मछली पानी में गई छपाक कहाँ से लाते हो भाई ये तो चीजें उधर उधर की देखते हो पहले तो ये बताओ ये मछली पानी में गई तो गई कैसे पानी में निकलती है तो वो बेचारी मर जाती है ये तो सबको पता है कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है और जैसे ही बाहर निकालोगे वो मर जाएगी तो वो मछली दोबारा उल्टा पानी में जाके छपाकहे करवा रहे हो उससे कुछ भी बना दिए हैं मैडम कुछ भी बना दिए हैं हिंदी में बोलो मैडम इंग्लिश में बोलो कहाँ कहाँ से चीजें चल रही है आजकल लोगों का ध्यान कंटेंट पे नहीं है पढ़ाई पे नहीं है कि मैम हम पढ़ लिख के जरा सरकारी नौकरी ले लें माँ बाप बैठे हैं हमारी आस में इन्हें करना है छपाक मछली पानी में गई छपाक भाई आधे मछली वहीं फ्राई करके खा जाएंगे उसे पानी में जाने ही नहीं देंगे वो मछली बेचारी सोचती रह जाएगी कि किस दुनिया में आ गई थी मैं क्यों निकली मैं पानी से बाहर आखिर क्या कसूर था मेरा ये दुख काहे खत्म नहीं होता है रे चलिए इधर तो इसे कहते हैं पेरिनगाइमा याद रखना सिंपल है जीवित है और इसकी आउटर मोस्ट लेयर भी क्या दिख रही है सरल सी पतली सी दिख रही है स्पेस इसके अंदर उपस्थित होता है ठीक है अगला आ जाते हैं जिसे कहते हैं कॉलन गायमा देखो वैसे अगर तुम देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका ये पेरन कायमा ये वाले टिश्यू पेरन कायमा के हैं इसमें क्लोरिन कायमा और एरन कायमा एरन गाइमा मतलब इसमें एयर है और क्लोरिन कामा मतलब ये हरियाली दिख रही है तुम्हें ये हरे हरे से दिखाई देते हैं तो ये तीन भाग होते हैं आपके जिसे हम पेरिन का पहला भाग यहाँ पर कहते हैं ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक ठीक है डन चलो भाई अगला आते हैं अगला भाग जैसे हमने कहा कॉलन का किसी भी प्लांट के अंदर कोई भी प्लांट है जो ग्रो कर रहा है सूर्य का प्रकाश आ रहा है फल फूल बढ़िया से दे रहा है तो वहां पर आपका पेरन कायमा जो है वो उपस्थित होता है पहला वाला भाग जिसको हमने क्या कहा पैरन कायमा ये देख रहे हो हर एक काम में ये क्या करेगा मदद करेगा पत्तियों में भी जड़ में भी तने में भी और इसकी शाखाओं तक भी एयर को पहुंचाने में इसीलिए मैं कह रही हूं एयर जाएगा तो एरन कायमा यहां पर हो जाएगा ठीक है चलो अगला आता है जिसको मैंने कहा कॉलन कायमा ये वाला भाग देख रहे हो टिश्यू का जिसके अंदर स्पेस तो है लेकिन ज्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं है तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कैसे दिखाई देते हैं

कॉल कायमा में सेल्यूलोज और पैक्टिन दोनों से मिलकर के आपको ये सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ती दिखाई देती है इसीलिए थोड़े से मोटे हो जाते जाते हैं जाते हैं दे हैव थिकनिंग ऑफ दिस वैक्यूल्स पाए आपको पता है प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस कम है किसी भी जीवित आपके तने के अंदर ये उपस्थित होते हैं और साथ में इसमें क्लोरोफिल भी आपको दिखाई देता है हिंदी में भी लिख सकते हैं क्लोरोफिल मौजूद होता है ये आपके मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहायता को प्रदान करते हैं क्या कर रहे हैं युवा पौधे के तने में पाया जाता है कि प्लांट अभी जस्ट कर रहा है ठीक है एक यंग प्लांट है उसके तने के अंदर ये उपस्थित होगा और साथ साथ में ये ये पतली कोशिका होती है है लेकिन आवरण में और पेक्टिन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना और साथ में हम इन्हें कैसे कहते हैं लिविंग टिश्यू कहते हैं जीवित टिश्यू कहते हैं मृत मैंने तुम्हें इसीलिए सिर्फ एक ही बताया था कि जब खाना बहुत ज्यादा खा लेगा मोटापा बहुत बढ़ जाएगा तब वो मर जाएगा तो उससे पहले तक वो नहीं मरा है इधर देख सकते हो ये भी जीवित है ये भी जीवित है कुछ चीजें इसमें स्पेस बढ़ जाता है लेकिन डेड नहीं होता ये वाला जो होगा ना इसको हम कहते हैं डेड इसी को मैंने कहा था आपका मृत ठीक है तो यही चीज हमने यहां पर लिखी ये आप सारे फीचर्स कॉलन कायमा के देख सकते हैं क्या सभी को चीजें क्लियर हुई जल्दी से बताओ बिल्कुल सही अगला आता है जिसे कहते हैं स्कलैरिन कायमा यानी कि वो जो बिल्कुल ही हार्ड आपको नजर आ रहा है स्कलैरिन कायमा के पास जितने भी कोशिकाए जितने भी उत्तक होते हैं ये लंबे होते हैं आपके नुकीले सिर होते हैं इनके अंदर मतलब अगर इसकी मैं बात करूं ना उत्तक की तो देखो कुछ ऐसे ऐसे से दिखाई देंगे बड़े नुकीले नुकीले से ये उत्तक बनकर के दिख जाते हैं और इनकी लेयर कैसी हो जाती है बाहर की तरफ से बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है ठीक है तो आप ये देख सकते हो इस प्रकार के कैसी कणिकाएं इसके अंदर होंगी मृत कोशिकाएं सेल्यूलोस तो होता है पिछले वाले में पेक्टिन था यहाँ पर लिग्निन आ जाएगा और लिग्निन ही हमेशा क्या करता है हार्ड करने में कठोर बनाने में मदद करता है मृत तो हो ही गया लेकिन ये और कठोर बना देगा ऐसी मोटी मोटी कोशिका भित्ति को हम यहाँ पर स्कलैरिन में देखते हैं इसके बाद जैसे आपने वो देखा है ना नारियल जो कोकोनट होता है उसके बाहर की तरफ जो उसकी भूसी लगी हुई होती है कोकोनट हस्क जिसे कहते हैं जो आप पूरे एक नारियल के ऊपर बाल से देखते हो वो कोकोनट हस्क इसी से बनता है उसके अंदर यही टिश्यू पाया जाता है जिसे हम स्क्लेरिन कहते हैं ठीक है चलो तो ये कहलाते हैं इसमें कोई भी अंतर कोशिक स्थान नहीं होता ये भी आंतरिक सहायता आपकी क्या करते हैं प्रदान करते हैं तो हमने दो प्रकार से इस पूरे डिवीजन को देखा डिवीजन हमने क्या बनाया था मेरे भाई देखो एक बार एक चार्ट बना लेते हैं कि ये आपके प्लांट के टिश्यूज हैं यानी कि पादप उतक उत इसका पहला भाग हमने देखा मेरिस्टमैटिक का विभा ज्योति की मैं आपको एक जस्ट रिविजन के तौर पर बता दू मेरिस्टमैटिक में पहला भाग एपिकल मेरिस्टम दूसरा भाग इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा भाग लेटरल मेरिस्टेम हमने देखा ठीक है इसके बाद जो आया था वो आपका परमानेंट टिश्यू बना था यानी कि स्थाई उत्तक बने थे स्थाई उत्तक के अंदर पहला भाग हमने देखा सिंपल टिश्यू का जो सिंपल परमानेंट भी आप यहां पर कह सकते हो कि परमानेंट तो है लेकिन सिंपल परमानेंट है और दूसरे बन जाते हैं जटिल परमानेंट जटिल स्थाई तो इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट कहा जाता है ठीक है सिंपल के अंदर वापस से हमने तीन चीजें देखी क्या देखी है भैया देखा देखा है देखा है और देखा है तो यहां तक कोई समस्या किसी के मन में क्यों भाई यहां तक कोई समस्या क्लियर है सबको अब रह गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट इसके अंदर वो आते हैं जिनका नाम तुमने हमेशा सुना है कि एक होता है ज़ाइलम और एक होता है फ्लोयम सुना है कि नहीं सुना है तो अब खाली उन दोनों को हमें यहाँ पर पढ़ना है आज तो हमने प्लांट का टिश्यू पढ़ा है कल पढ़ेंगे जंतुओं के उत्तर जिसमें आपके अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू नर्वस टिश्यू और फिर उनके सवाल भी करेंगे ठीक है चलिए तो ये कहलाता है, है जाइलम और फ्लोएम आते हैं अगले वाले भाग पे यहां तक आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आप देख सकते हो देखो ये वाले दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं ना थोड़े हार्ड से नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े कठोर से दिखाई दे रहे हैं और थोड़े नुकीले से भी ये आपको दिखाई देते हैं स्पेस नहीं होता इसलिए मर जाते हैं डेड कहे जाते हैं यहाँ पर ये ठीक है अब हमने तो मैम एक सिंपल सी लाइन पढ़ी थी कि इसके बाद जो आता है जाइलम और फ्लोएम वो भैया कुछ सिंपल सरल सा काम करते हैं देखिए ये मेरे पास कोई प्लांट है ठीक है हमने उसमें सुना है कि भाई पानी जो है वो जड़े सींचती हैं जड़ों ने पानी को सींचा तो पानी को जड़ों से क्या पहुंचाया ऊपर की तरफ पहुंचाया और पत्तियों में बना खाना तो पत्तियों ने खाने को नीचे की तरफ या पूरे प्लांट में सर्कुलेट कराया अब ये चीजें किसके द्वारा होती हैं तो खाने और पानी के संवहन में इनके ट्रांसपोर्टेशन में आपके ये जटिल स्थाई उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो मदद करते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर आता है ठीक है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो यहाँ पर आता है पहले तुम्हें जरा सुकून दे दिया जाए क्यों भाई चीजें क्लियर हो रही हैं तो अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक फटाफट से एक बार पहुंचा दो चलो कुछ मुक्ति देना भी जरूरी होता है ना देखिए तो अगला वाला जो भाग आएगा उसमें हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के यानी कि जटिल स्थाई उत्तक जटिल स्थाई उत्तक में पहला भाग आता है जाइलम का जाइलम जिसका काम होता है इट हेल्प्स इन दी कंडक्शन ऑफ वॉटर ये पानी को ले जाने में मदद करता है पानी के संवहन में मदद करता है ठीक है दूसरा वाला जो भाग आता है उसे हम कहते हैं फ्लोयम और ये फ्लोयम क्या करता है इट हेल्प्स इन दी कंडक्शन ऑफ फूड यह आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यह भोजन के संवहन में मदद करता है पूरे प्लांट में आपको इनकी उपस्थिति दिखाई देगी मेनली पानी जड़ों से सींचा जाता है तो ये वाला जो पानी का कंडक्शन होगा ये मेनली आपका रूट से शुरू हो जाता है और ये खाने का जो है वो पत्तियों से शुरू होता है लीव से ये स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है तो दो प्रकार के उत्तक हमने देखे पानी और खानी खाने को लेकर के जाने के लिए ये देख रहे हो ना कि कैसे किसी प्लांट के अंदर इस प्रकार के ट्रैकिट्स वेसल ये पाए जाते हैं और इन्हीं के रास्ते देखो पानी ऊपर जा रहा है और आपका खाना जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है भाई एक बात तो मानते हो कि पानी का कंडक्शन कैसा होता है यूनि डायरेक्शनल होता है ये बात याद रखिएगा पानी जड़ों से नीचे की तरफ जब सींचा जाता है तो सीधे ऊपर बढ़ेगा एक दिशा में जाएगा लेकिन भोजन जो है ना वो पत्तियों से नीचे भी आता है और ऊपर भी आता है ये सवाल आपका पूछा जा चुका है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में तो आप चाहें तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा कि मान लीजिए ये आपकी पत्ती है ठीक है और ये नीचे की तरफ क्या है हमारी जड़ है अब देखो पानी की सिंचाई कैसे होगी कि पानी जाएगा हमेशा ऊपर की तरफ नीचे से कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ लेकिन यहाँ पर जो खाना बन रहा है ना इस पत्तियों में जो भी खाना बन रहा होगा वो खाना नीचे भी आ रहा है और वो खाना आपका ऊपर भी जा रहा है तो ये वाला काम करा रहा है फ्लोएम और ये कराता है जाइलम तो हम लिख सकते हैं इसका जो पाथ है वो यूनिडायरेक्शनल है एक दिशा में घूमता है केवल एक दिशा में यानी कि नीचे से चढ़ेगा पानी और ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लोएम जो है उसका मूवमेंट इसकी गतिशीलता हमें डायरेक्शनल दिखाई देती है द्विदिशा में नजर आती है ठीक है तो ये दोनों तरफ जाएगी कि मतलब पत्तियों से खाना बनाए तो भाई नीचे भी जरूरत पड़ेगी पौधे में और ऊपर भी जरूरत पड़ेगी तो दोनों जगह पर आप इसको यहां पर ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं ना पढ़ना है हाँ बिल्कुल देखिए जितनी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब आपको कराई जाएंगी बस आप अपना जो रिवीजन है उसे टाइम से टाइम करते रहिए और इसी के साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो उनकी थ्योरी हो उनके सवाल हो मैं तुम्हें सब कुछ करवाऊंगी इतना भरोसा रखना कि तुम्हारे लिए रेलवे में आने वाले एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा जाएगा एक एक सवाल चुन चुन के तुम्हारा चाहे अगर हम बात करें आप लोगों के आने वाले ए में ग्रुप डी में आरपीएफ में हर किसी के लिए बेस्ट टू बेस्ट चीजें तुम्हारे लिए सोच सोच के प्लान कर करके कराई जा रही हैं क्योंकि

मैम आपके बायोलॉजी क्लास से बहुत हेल्प हुआ है थैंक यू चलिए बहुत बढ़िया भाई जल्दी जल्दी से बताओ देखिए वैक्यूल जितने भी प्लांट के सेल होते हैं ना उसके अंदर पानी को को सैप इकट्ठा करने के लिए एक कोशिकांग होता है वैक्यूल वो आपके सभी प्लांट्स में ही पाया जाता है और ज्यादा बड़ी मात्रा में दिखाई देता है एनिमल्स में बहुत छोटा छोटा सा नजर आता है ठीक ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या लगा रहे हैं कुछ ए लगा रहे हैं कुछ सी लगा रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त सभी साथियों जो तुम आंसर कर रहे हो ऑप्शन नंबर ए ज़ाइलम तो पानी का कंडक्शन करा रहा था ना वो तुमसे कह रहा है सेल वॉल कैसी है पतली है और इसके पास स्पेस दिखाई दे रहा है तो ये तो पैरन की विशेषता बताई थी पहला ही बताया था आपको क्यों भाई पहला बताया था कि नहीं थ्योरी पढ़ने में मजा आया समझ आई चीजें एक, एक अगर आई है तो फिर ऐसे ही सवाल आएंगे प्रैक्टिस यही हमें करनी है मैडम ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है अगला कह रहा है हार्ड पार्ट ऑफ अ स्टेम इज बिकॉज ऑफ कोई भी तने का कठोर भाग जो बन जाता है वो किसके कारणवश बनता है कठोर भाग किसके कारणवश बनता है बताओ जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस आपकी दिल्ली मुखर्जी नगर में होती हैं रैंकर्स गुरुकुल आपका क्या वहां पे क्लासेस होती हैं पूरा समझ आया ठीक है अब वो कह रहा है ना कठोर भाग तो कठोर किसकी वजह से होता है कठोर होता है स्कलैरिन कामा की वजह से क्योंकि यही क्या था यही था आपका मृत यही क्या दिख रहा था मुझे डेड जो है वो दिखाई दे रहा था तो बिल्कुल सही उत्तर लगाए हो और इसी के साथ लगाइए अगला भाग अगला कह रहा है व्हिच प्लांट टिश्यू हैज द एबिलिटी टू ग्रो रैपिडली बाय डिवीजन किस पौधे में उत्तक में विभाजन द्वारा तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है कि कौन बहुत तेजी से बढ़ सकता है जल्दी से बताएं डिवीजन भी करा रहा है और ग्रोथ भी करा रहा है ये कौन है क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा सभी कह रहे हैं है, मैम ए होगा सी होगा देखो प्लांट टिश्यू जिसके पास एबिलिटी है ना ग्रो करने की वो हमारा मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही होता है जिसे की उत्तक कहा जाता है यही है जो इसके अंदर इजीली क्या कर सकता है जल्दी जल्दी से ग्रो कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कोशिकाओं में विभाजन के रास्ते ठीक है तो इसे कहते हैं मेरिस्टमैटिक उत्तक बहुत बढ़िया इसके बाद अगला सवाल है जो कह रहा है एपिकल लेटरल लेटर इंटर कैलरी के उत्तक के प्रकार हैं ये तीनों जो हैं वो कौन से प्लांट टिश्यू के टाइप यहाँ पर कहे जाते हैं प्रोटेक्टिव परमानेंट या इनमें से कोई भी नहीं ये आप लोग मुझे आंसर जल्दी से कर देंगे और देखिए जो जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़े थे ना इनके भी चार भाग होते हैं हालांकि ये आपसे पूछता नहीं है लेकिन गलती से कहीं पूछ ले तो लिख लेना की जाइलम भी चार अलग अलग प्रकार से जाना जाता है जिसमें पहला प्रकार आता है आपका जाइलम के ट्रैकिड्स दूसरे होते हैं वेसल तीसरे होते हैं जाइलम के फाइबर और चौथे होते हैं जाइलम का पैरन ये नाम बस याद रखना फ्लोएम में भी ऐसे ही सी एलिमेंट आते हैं कंपेनियन सेल्स आते हैं फिर फ्लोएम का पैरन और फ्लोएम के फाइबर तो ऐसे चार चार भागों में ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं बटे हुए होते हैं आपका जो लेवल आने वाला है आपके रेलवे में वो हम बात करें कुछ एग्जाम्स में आप लोग देखेंगे कि भैया आपका ग्रेजुएशन की भी एलिजिबिलिटी मांगी है कुछ में दसवीं का स्तर मांगा हुआ है हमें तैयारी ऐसी रखनी है कि हमारा एक भी सवाल ना छूटे

ठीक है तो अब मुझे एक बार बता दो सभी को मजा आया क्लास करने में चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ और हुआ है तो यूं ही लगातार रोज सुबह बस टाइमिंग याद रखना डेली डेली मॉर्निंग बजे बजे सुबह आपकी क्लास होगी यूं ही अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को अपने को को थ्योरी आप लोग याद करते चलिए बाकी आपकी, आपकी आर विक्रमजीत ऐप है जहां पर मैं आप लोगों को पूरी साइंस का जो रेलवे में आने वाली है उसका साइंस स्पेशल बैच आपका चालू हो चुका है इसमें कंप्लीटली हम वही पार्ट कर रहे हैं जो आपके रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है और कोई चाहता है मैम हर एक सरकारी एग्जाम में हमें मदद मिल जाए जीएस में मदद मिल जाए तो भाई देखो जीएस स्पेशल बैच भी आप लोगों का है ये बैच जो है ये आपके फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स प्री प्लस मेन्स पूरी तैयारी के लिए है मेन्स तक की तैयारी तुम्हारी इसमें कराई जाएगी जो कि आपका सात फरवरी से शुरू हुआ है बाकी इससे अच्छा मैं आपसे कहूंगी कॉम्बो स्पेशल आप, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि यहाँ आपकी रीजनिंग मैथ्स प्रशांत सर की इंग्लिश है पूरी कंप्लीट जीएस भी आप लोगों को मिलने वाली है ठीक है आदित्य सर की मैथ्स रहेगी विक्रमजीत सर की रहेगी तो सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे जो कि दो साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है ठीक है इसके अंदर वैलिडिटी कितनी है आपकी दो साल की आप अपना आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से इस डाउनलोड करके और इस बैच में एनरोल कर सकते हैं जो भी हमारे भाई बंधु चाहते हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करना देखिए कहते हैं ना कि नींव अगर मजबूत हो तो इमारत बहुत पक्की खड़ी होती है अगर तुम नींव को ही कमज़ोर कर दोगे तो इमारत कब ढह जाएगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा तो इसीलिए फाउंडेशन जिसे कहा जाता है ना बेसिक से एक चीज़ को समझा कर पढ़ा कर आपको लेकर जाया जा रहा है आगे कि आ जाए तुम्हारा सी हो एम हो जी हो तुम कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो आपके हर एग्जाम में आपको पूरी तैयारी जो है वो कराई जा रही है तो ज़रूर से जुड़िए डेली बेसिस पे हमारे साथ रोज सुबह ग्यारह बजे बाकी साइंस की टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तुम बस रिविजन करना शुरू कर दो ठीक है टेलीग्राम ग्रुप है आपका रैंकर्स गुरुकुल जो बहुत देर से पूछ रहे थे इस टेलीग्राम पे मैं अभी आपकी पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा दूंगी आप लोग अपनी पीडीएफ डी यहाँ से ले सकते हैं रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑल टिल देन हैव अ वेरी गुड डे थैंक यू सो मच एंड क्लास कैसी लगी है मुझे ऑफलाइन कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा